राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए हुए चुनाव में कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, लेकिन इसके उलट बीजेपी की ओर से क्रॉस वोटिंग हो गई। बीजेपी की धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिसके बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा से राज्यसभा सांसद रह चुके बिजनेसमैन सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए, जिन्हें बीजेपी ने समर्थन दिया था। दरअसल राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। सुभाष चंद्रा ने दावा किया था कि कांग्रेस की ओर से क्रॉस वोटिंग होगी और उन्हें बड़ा झटका लगेगा, लेकिन आरोप है कि बीजेपी की धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग कर दी। पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर 7 दिनों में जवाब मांगा है। इस चुनाव में बीजेपी समर्थक सुभाष चंद्रा की हार हुई है। उन्होंने भी कांग्रेस के विधायकों का समर्थन का दावा किया था। राजस्थान में राज्यसभा की इन 4 सीटों में हुए चुनावों में कांग्रेस ने जो दावा किया था वही हुआ है। जानकारी के मुताबिक धौलपुर से बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने बीजेपी के घनश्याम तिवारी को वोट न देकर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट दे दिया। हालांकि बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि उनके वोट में गड़बड़ी हुई। बता दें कि शोभा रानी के पति बीएल कुशवाहा इस वक्त जेल में है। दूसरी ओर बीजेपी विधायक सिद्धि कुमारी ने भी गड़बड़ी कर दी। उन्होंने पार्टी के घनश्याम तिवारी को वोट दे दिया, जबकि उन्हें निर्दलीय सुभाष चंद्रा के पक्ष में वोट डालना था। बीजेपी के 5 विधायकों के वोट मॉक पोलिंग के चलते खारिज हो गए। गौरतलब है कि राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव में कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों की जीत हुई है। उसके तीनों उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट आई है। उसके उम्मीदवार घनश्याम तिवारी जीत गए हैं, जबकि बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए। इस चुनाव में 5 उम्मीदवार मैदान में थे। मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी और निर्दलीय सुभाष चंद्रा के बीच था। चंद्रा को बीजेपी और आरएलपी के अलावा जीत के लिए 8 वोट चाहिए थे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 126 वोट मिले। वोटिंग के दौरान वही हुआ जो कांग्रेस ने दावा किया था। वोटों की गणित के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला को 43, मुकुल वासनिक को 42 और कांग्रेस के तीसरे प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को 41 वोट मिले। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को 30 वोट मिले। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।